हमारे सहयोगी शैलेश मंत्री देखेंगे तो अब ये मुख्यमंत्री जो है हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। उनके साथ में यहाँ के जो महंत हैं राजू दास वो भी हैं। अगर बात करें तो इसके बाद के जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री के जब बैठक लेंगे तो बैठक के बाद में आज मुख्यमंत्री महाराणा प्रताप की मूर्ति का लोकार्पण करने के लिए गुप्तार घाट जाएंगे और इसके बाद में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है सर्किट हाउस में, जहां पर वो साधु संतों से मुलाकात करेंगे और आज रात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या में ही रुकेंगे। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, अयोध्या। ये तस्वीरें हैं और देखिए जो कार्यक्रम है उसकी भी जानकारी हमारे सहयोगी शैलेश आपको दे रहे थे। हनुमानगढ़ी पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी को महाराणा प्रताप की मूर्ति का लोकार्पण करना है, उससे भी जुड़ी तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा जो तमाम विकास कार्य चल रहे हैं अयोध्या के अधिकारियों से उनकी समीक्षा बैठक के साथ साथ ग्राउंड पर जाकर भी देखेंगे सीएम। इसके बाद मलिन बस्ती में दलित के घर भोजन का भी कार्यक्रम है और शाम तलक सर्किट हाउस में तमाम साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए इस दौरे की जानकारी हमने आपके सामने रखी है और तस्वीरें भी लगातार आनी शुरू हो चुकी हैं। हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके बाद घाट पर महाराणा प्रताप मूर्ति के लोकार्पण से जुड़ी तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे। कुल 22 घंटे का वक्त बिताएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और देखिए शपथ लेने के बाद ये दूसरा दौरा है सीएम का, जहां वो अयोध्या पहुंच करके तमाम विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। ना सिर्फ अधिकारियों से रिपोर्ट लेंगे बल्कि ग्राउंड पर जाकर के हो रहे कामकाज को भी देखेंगे। इसके साथ एक दलित के घर भोजन का कार्यक्रम ये भी खबर आई है और शाम को सर्किट हाउस में तमाम साधु संतों से मुलाकात। तो देखिए पूजा पाठ से शुरू होगा, रामलला के दर्शन, हनुमानगढ़ी पहुंचने की खबर, उसके बाद तमाम जो तस्वीरें आएंगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी रणवीर का रुख करते हैं, हनुमानगढ़ी पर मौजूद है, उनसे तस्वीरें और जानकारी।